यूजिंग ऑटो करेक्ट, यूजिंग ऑटो करेक्ट का क्या काम है या इसका क्या यूज है? ठीक है, तो यूजिंग ऑटो करेक्ट जो आपका है, इसमें एक अक्षर से आप कई अक्षर लिख सकते हो आप, इसको आपको बनाना पड़ेगा खुद। ये फीचर आपका राइटर में दिया गया है। ऑटो करेक्ट इज ऑल्सो यूज टू अप्लाई स्पेशल फॉर्मेटिंग। ऑटो करेक्ट जो है एक स्पेशल फॉर्मेटिंग के तौर पर आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में सी लिखा है ना, तो सी से आप प्रेस करो और आपका चेंज लिख दे ऑटोमेटिक। आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ये आप कॉपीराइट सिग्नल बना सकते हैं। बनाने के लिए वो क्या करना होगा, लिंक मैनी ऑफ दी वर्ड फीचर यू कस्टमाइज ऑटो करेक्ट इज राइटर। आप बहुत सारे अक्षर को आप लिंक करा सकते हैं। ये फीचर आपका आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया गया है। ये अपने हिसाब से बना के भी आप ऐड कर सकते हो। रूल्स क्या है, सबसे पहले अक्षर को सेलेक्ट करोगे उसको जिसको आपको लिखना है बार बार, फिर आप टूल्स मेन में जाओगे, वहाँ पे आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको करेक्टर रिप्लेस फील्ड पे जाओगे, वहाँ पे आपको लिखना होगा जो आप अक्षर चाहते हो, जिस अक्षर से आप लिख के वो बड़ा अक्षर लिखना चाहते हो। न्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे, आपका हो जाएगा। फिर क्लोज कर दीजिएगा, तो विंडो प्लस आर यस राइटर। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अपने सेंटर नाम बार बार लिखना चाहते हैं, इसको आप करेंगे सेलेक्ट, जाएंगे टूल्स मेनू में, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर, यहाँ मिल जाएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे, खुलेगा एक डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको सेटिंग करना होगा। ये आपको खुलेगा, ठीक है। यहाँ रिप्लेस पे आप स्मार्ट वॉच सेंटर को किस अक्षर से अप्लाई करना चाहते हो, मैंने हम डी से करना चाहते हैं। डी पर क्लिक करेंगे, डी शायद पहले से बना हुआ है, आप लेते हैं बी, ठीक है। और यहाँ मिलेगा न्यू ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और करेंगे ओके पर ऑप्शन, आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी दबाएंगे, स्पेस देंगे, आपका लिखता जाएगा, है ना। बी दबाते रहेंगे, स्पेस देते रहेंगे, आपका स्मार्ट वॉच सेंटर लिखता जाएगा। ऐसे बहुत सारे अक्षर को आप ऐड कर सकते हैं जो आपको बार बार यूज करने होंगे। हाउ टू यूज वर्ड काउंट ऑप्शन, वर्ड काउंट ऑप्शन क्या है, इसका यूज क्या है। सबसे पहले राइटअप फाइल ओपन करेंगे, अप्लाई करेंगे, कुछ अक्षर को टाइप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, तो इसे क्या होगा कि आपने जितना अक्षर लिखा है उसको आप गिन सकते हैं। आपने कितना अक्षर लिखा है, आपने कितना वर्ड लिखा है, आपने कितना लाइन लिखा है, ये सारा का सारा आप काउंट कर सकते हैं। किसके द्वारा, वर्ड काउंट ऑप्शन के द्वारा। कहाँ मिलेगा आपको ये, टूल्स मेनू में जाओगे, वहाँ मिल जाएगा वर्ड काउंट ऑप्शन, क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे आपका पूरा काउंट करके लिखा होगा, ठीक है। ठीक, क्या करना होगा, मान लो कुछ आपको इंटर भी दबा देते हैं यहाँ बीच बीच में, कुछ पैराग्राफ भी आपके हो जाए, ठीक। कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मिलेगा टूल्स मेनू, क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ड काउंट ऑप्शन खुलेगा। ये आपके 288 वर्ड लिखे हुए हैं, अक्षर में जो स्पेस दिया गया उसको ले करके 2152 अक्षर हैं, और अगर स्पेस को छोड़ दिया जाए तो 1800 अक्षर हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल्स लेना है तो इसके लिए आपको जाना फाइल मेनू में, आ जाओगे यहाँ प्रॉपर्टीज ऑप्शन में, और यहाँ क्लिक करोगे करेक्ट स्टैटिक्स में, ठीक है। और यहाँ मिलेगा पेज एक लिखा गया, टेबल नहीं बनाया, कोई फोटो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चार पैराग्राफ हैं, इतने वर्ड हैं, इतने अक्षर हैं, इतने बिना स्पेस के अक्षर हैं, क्लियर। तो इस यहाँ से आप डिटेल और निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई फोटो वोटो आपका इंसर्ट कर लेते, कोई सेव बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं इमेज पे आकर के कोई फोटो आप ले आते हैं, तो मैंने ले आया, ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक, तो आप दोबारा से जाओगे फाइल मेनू में, यहाँ मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज में, क्लिक करोगे स्टैटिक्स, ये दिखेगा एक इमेज भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके पेज में कितने अक्षर लिखे हैं, कितने टेबल बने हैं उसको जानना है तो फाइल मेनू में जानिएगा, और केवल अक्षर और पैराग्राफ लाइन जानना है उसके लिए आपको टूल्स मेनू से आप जान सकते हैं, ओके।